हेलो गाइस, गाइस, गुड गुड इवनिंग इवनिंग ते ते सारे सारे नू नू प्यार प्यार भरी भरी सत सत श्री श्री अकाल। अकाल। मैं मैं तो अपना विक्रमजीत सिंह। हालांकि ते स्वागत करते हैं तुहाडा यूट्यूब चैनल लकी अरवे ब्लॉग ते, अज लैके आए हैं बहुत ही स्पेशल वीडियो ते। अज आपां गल करांगे सीमा हैदर दी। जो कि चर्चा विच तुहानू पता है कि छाई हुई है। सो सारे पासे, चाहे वो पाकिस्तान होए चाहे वो इंडिया होए, सारे पासे ही होंदे चर्चा हो रही वैसे होंदे। हुण सानूं इह दसण दी लोड़ नहीं हैगी कि उह क्यों मशहूर है हाँ ना। आपां बिल्कुल। अग्गे दी गल करने आं, आपां अग्गे दे जो खुलासे ने उह करने आं। बिल्कुल पाकिस्तान तो जो सीमा हैदर दा बॉयफ्रेंड है वो सामने आया ते उन्हें सामने आके कहा कि इंदा मेरे नाल मतलब रिलेशन खुलासे सी। किते ने, वो ज्यादा हम सानू नहीं पता कि खुलासे किते ने कि उनके नाल किदा जिवें दा रहने टाइटल है सी। उन्हों वेख के लगता कि खुलासे बड़े ने। सीमा हैदर दा इंदे नाल लिंक सी ते ये मुंडा जिहड़ा हैगा है, नाम नहीं पता की हले क्योंकि आपां वीडियो नहीं देखी, ते इन्हें सचिन नाम दे मुंडे नू किता है थोड़ा जा उन्हों अगाह करता है ना, उन्हों थोड़ा कहा कि तू थोड़ा तैयार रह भाई क्योंकि तेनों भी धोखा मिल सकता है, क्योंकि इन्हों भी धोखा मिल चुका है। हाँ बिल्कुल, हो सकता है ताइयो ये सामने आया बिल्कुल। क्योंकि इन्हू छोड़ के गई है ते आखिरकार वो बदला लैन वास्ते कह लो या उनका सच सामने लैन वास्ते कह लो, किसी ना किसी तरीके वास्ते वो सामने जरूर आया है। ते करते हैं इसी वीडियो नू स्टार्ट, ते उस तो पहले तुसी करो सबसक्राइब साडे चैनल नू ते ते नाल नाल दी दी नाल नाल। बैल आइकन नू प्रेस करो ताकि तुहानू साडे सारे वीडियोस ते नोटिफिकेशन मिल जाण। जो भी वीडियो आपां अपलोड करिए अपने चैनल ते तो तुहानू ओहदे नोटिफिकेशन मिल जाणदे, तुसीं फटाफट चेकआउट कर सको ते आपां देखदे हां वीडियो की खुलासे हुंदा बॉयफ्रेंड करदा है। अभी वो मुझे शक्ल देख रही होगी तो परेशान हो गई होगी देख के, उसको डर लग गया होगा। या तो तुम्हें होगा ना मैं कौन हूँ जो तुम मुझसे बातें करती होती होती थी। सचिन साहब, मैं आपको पहले एक चीज मैं आपको सचिन तुम कर सर दूं कि वो लड़की जो आपको है, धोखा दे चुकी हुई है। सुन ले सचिन, सीमा धोखा देगी, सीमा जालसाज है और धोखेबाज है। ये दावा है सीमा के उस पाकिस्तानी बॉयफ्रेंड का जिसने सीमा हैदर की सारी पोल खोल कर रखी है, उसी पाकिस्तानी सीमा हैदर का जो इन दिनों भारत में है और सचिन के साथ उसके रिश्ते को लेकर मीडिया की सुर्खियां बनी हुई हैं। लेकिन अब पाकिस्तान से सीमा को लेकर जो वीडियो वीके न्यूज के पास आया है वो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसका देगा। आपको सीमा की वो हकीकत दिखा देगा कि आखिर सीमा है कौन। आपको सीमा का वो वीडियो दिखाएं, उससे पहले बता दें कि पति के बाद अब सीमा हैदर का पुराना बॉयफ्रेंड सामने आ गया जिसने डेली सीमा कुछ ना हैदर को कुछ नवा लेकर खुलासा हो रहा कई है। हैरान करने वाले दावे किए। पाकिस्तानी चैनल को दिए इस इंटरव्यू में शख्स ने पहले तो बताया है कि सीमा के साथ उसका क्या रिश्ता है, लेकिन उसके बाद उसने बताया कि वो अकेला नहीं है बल्कि सीमा के सचिन की तरह और कई बॉयफ्रेंड हैं। लड़के ने बताया कि सीमा सिर्फ पबजी खेलने वाले लड़कों को ही अपना शिकार बनाती है। इतना ही आई नहीं, थिंक वो द सीमा पबजी के बॉयफ्रेंड चैंपियन ने अपने पर्सनल चैट दिखाते हुए कई और बड़े खुलासे किए। सुनिए आप। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सैयद बासित अली। पाकिस्तान और इंडिया में जो भी लोग देख रहे हैं, एक वाकया हुआ है। सीमा, जो सीमा पाकिस्तान कराची से इंडिया गई है, उसका आज ड्रॉप सीन होने वाला है। मुझे मिला है उसका एक आशिक। पाकिस्तान में जानने वाला जो कहता है कि इसकी मेरे साथ भी दोस्ती रही है और पबजी से दोस्ती हुई थी, और ये इंडिया क्यों गई है इसका खास मकसद आज पता चल गया है। क्या सारी कहानी है वो जानते हैं उसामा साहब से। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या हाल आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं कैसे मुझे हैं? ये बताएं आप सीमा को कब से जानते हैं? मैं तकरीबन पिछले 2 साल से सीमा को जानता हूँ और बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से जानता हूँ। बात पर गौर करिएगा, उस शख्स ने कहा है कि वो सीमा को 2 साल से जानता है। आपके पास सारे प्रूफ्स हैं? मैंने अभी आपको मैसेज किस चीज़ के पढ़ाए हैं? चलें वो भी हम दिखाएंगे आपको, मैसेज सारी चीज़ें दिखाएंगे, लेकिन पहले हम इस वीडियो में सिर्फ बातें पहले करेंगे, फिर हम और चीज़ें भी बड़ी हमारे पास आई हुई हैं वो सारी दिखाएंगे। मुझे ये बताएं आपसे उसकी दोस्ती कैसे हुई थी? वैसे हम ना खेलते थे पबजी, उसे ना बहुत ज़्यादा पबजी का क्रेज़ था, मैं भी खेलता था पबजी, मुझे भी शौक था खेलने का। तो पबजी पे हमारी दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि 2-3 हमने गेम्स इकट्ठी खेली, 2-4-5 दिन हम इकट्ठे खेलते रहे। आहिस्ता आहिस्ता उसने मुझसे नंबर मांगा। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, अच्छा मैं दे दिया। दोस्ती वगैरह हुई, व्हाट्सएप पे आ गई, दोस्ती वगैरह हुई और जो है बातचीत होने शुरू हो गई। तो एक हमने फिर डिसाइड किया मिलके कि हम रिलेशन अच्छा में आ जाते हैं। अच्छा, इतने तक आप वो आपके साथ भी पहुंची जो इंडिया में हो रहा है, अभी वो इंडिया में गई है? सर जी आगे सुने तो सही, उसने तो मुझसे शादी के वादे भी किए हुए थे जो मैंने भी आपको पढ़ाए हैं। वैसे सीमा ने पबजी खेलने वाले और लोगों के साथ क्या किया है ये शख्स बता रहा है। सुना है वो पंजाब आ रही थी आपके लिए? सर वो पंजाब क्या, वो मुझे कह रही थी बस आप वेट करो मैं लाहौर आ रही हूँ अपना सामान लेके, ये वो मेरे पास इतने तोले सोना है मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी, मैं आप क्या बत, क्या क्या बताऊं आपको। अच्छा, ये सारे प्रूफ्स इनके पास हैं, वो भी आपको दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे, आपसे सारी दिखाई जाएंगी। अब मुझे ये बताओ कि इतना बड़ा प्लान उसका इंडिया जाने का, वो भी आपने, आपको पता है मुझे पता है, ये बताओ कि आपसे भी पबजी से दोस्ती हुई, उसको इतना क्रेज है गेम्स का?
बहुत ज्यादा पागल है, वो हमारे साथ पबजी वगैरह खेलती थी। अब उसका इंडिया जाने का क्या सीन है, क्या मकसद है, मैं आपको बताता हूँ। मैं उसको रग रग से जानता हूँ। मैं आपको बताया था उसे गेम का बहुत ज्यादा क्रेज है, इसी तरह उसे क्रिकेट का भी बहुत ज्यादा क्रेज है। क्रिकेट का, क्रिकेट का बहुत बहुत जुनूनी हद तक वो जो है क्रिकेट को चाहती है। वो सीमा को ना सिर्फ पबजी का क्रेज है, सुन रहे हैं आप, क्रिकेट का भी क्रेज है, क्रिकेट का भी शौक है। नाज़रीन इनका कहना था कि साइको, आप कहते हैं साइको है, मुझे ना वो कभी कभार साइको लगती थी अपनी बातों से, वो गेम्स को क्रेजी थी गेम्स के पीछे। अब मुझे पता है वो किस मकसद के लिए गई है वहाँ पे, वो गई है सती वर्ल्ड कप देखने, मेन मकसद वर्ल्ड कप है। अभी कोई शक्ल देख रही होगी तो परेशान हो गई होगी देख के, उसको डर लग गया होगा, या तो तुम्हें होगा ना मैं कौन हूँ जो तुमसे बातें करती होती थी। ये पाकिस्तान को बदनाम कर रही है हिंदू, ये सब ड्रामे कर रही है हिंदू, ये जो है किसी की नहीं है सुना, ये किसी की नहीं है। मैं सबसे पहले इंडिया हमारा जो भी हमारे मामलात हैं, हमारे दुश्मन है, जो भी हमारे चल रहे हैं उनके साथ जो है, लेकिन मैं सबसे पहले आप लोगों को एक जो है चीज़ बताऊंगा, खुदा रहा आप इस लड़की से पीछे रहें, आप इसे नहीं जानते। ये अभी पाकिस्तान छोड़ के गई है, सारे जिंदगी से पाकिस्तान रहा, पाकिस्तान को बदनाम कर रही है, कल को आपके मुल्क के लिए बंदी अपने खुदा को छोड़ दे लड़के के साथ के। और सुना है सचिन नाम उसको इसलिए पसंद आया कि वो सचिन की फैन थी, असद भाई कि सचिन तेंदुलकर की वजह से उसने सचिन नाम के लड़के से किया है वो जो भी किया है। लेकिन सचिन साहब मैं आपको पहले ये चीज़ मैं आपको कर दूँ कि वो लड़की आपको धोखा दे चुकी हुई है, धोखा दे सर वो, मैं बताता हूँ, मूसा आरिफ और वो कौन था असलम और सयान, ये चार लड़के तो मुझे, मैंने अपनी कहानी ही पता है, मुझसे सॉरी सॉरी कह के फिर दोबारा मेरे पास आ जाती थी, क्या हो गया बस इनके साथ गेम्स खेलती थी, इनके साथ सर जी गेम खेलती थी, कितनी दफा उनसे बातें करती है पकड़ी गई। इस शख्स ने नाम भी कई गिनवाए हैं, इसको धोखा दिया है सीमा ने पहले। आपने बता दिया कि इंडिया वो सिर्फ इस मकसद से नेपाल के थ्रू गई है इलीगल की मोहब्बत का ड्रामा करके शादी करके, पहले दुबई गई है, दुबई से वो पता है, वो तो पता सारी चीज बता दी, लेकिन जो जाने का मकसद है वो सिर्फ वर्ल्ड कप देखने, वो सिर्फ वर्ल्ड कप है, उसे इतनी वो दीनी बनती होती है ठीक है, मैं तो नमाजें पांच वक्की ऐसे वैसे चले, वो बाइस में अभी नहीं पढ़ रहे, बैस इस पढ़ रहे हैं कि वो इंडिया जो गई है वो आपका कहने का मकसद है कि वो क्रिकेट की बहुत बड़ी वो थी, सिर्फ क्रिकेट की वजह से गई है। और अगर वर्ल्ड कप के बाद वो उसे धोखा देके सुना, कहाँ जाएगी वापस, वापस दुबई जाएगी, अपने दुबई जाएगी, अपने मियाँ के पास जाएगी दुबई, ये भी आप कह रहे हैं, मैं कन्फर्म आप उसे लिखवा लें, साइन करवा लें। सुन रहे हैं आप शख्स, उस शख्स का बयान सुन रहे हैं आप, वो बता रहा है कि वर्ल्ड कप देखने के लिए सीमा भारत आई है, उसने सचिन के साथ झूठा नाटक किया, प्यार किया, उसके बाद वो वर्ल्ड कप देखने का फिर वापस दुबई अपने पति के पास चली जाएगी। तो इंडिया वालों इसको इसलिए मत उछालो कि वो पाकिस्तान से लड़की आ गई है, ये आप भी हमारे भाई हैं उधर, मैं बहुत से मुसलमान भाई हैं, बहुत से आप लोग हमारे मेरे काफ़ी दोस्त हैं इंडिया में, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इसकी चालों से बचना, सचिन के लिए ये पैगाम है कि ये लड़की तुम्हें आफ्टर द वर्ल्ड कप धोखा देने वाली है और दुबई जाने वाली है, इसके साथ ये पिछले 2 साल से अटैच थी, इसको धोखा दिया, मैंने सारी चैट्स पढ़ी हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो वो चैट्स लेके आ रहा हूँ, इसको नहीं मैं और लोगों को ला रहा हूँ, उसकी एक सहेली मुझे मिली है वो भी आपको बताता हूँ, फिर कराची के इसके मोहल्ले से आपको बहुत चीज़ें बताऊँगा मैं, ये कौन है, सचिन को पूरी चीज़ें नहीं पता, ये पबजी पे, ये पबजी और क्रिकेट की ये गेम्स क्यों खेलती है, क्योंकि इसका शोहर बाहर था और अकेली रह के गेम्स की इतनी साइको हो चुकी हुई है और इंडिया जाके ये ड्रामे कर रही है सारी, और आपको ये इतनी कॉन्फिडेंट लड़की, ये कह रहा था कि बहुत कॉन्फिडेंट लड़की है, कॉन्फिडेंट है बहुत, ऐसे झूठ बोलती है कि आप पहचान ही नहीं सकते, आप जितना मर्जी एक्सपीरियंस उठा के लें अपना। उसामा साहब ये आप सही बात कह रहे हो, सब इंडिया में भी आपको देख रहे हैं कि वाकई वो आपके साथ सेट रही है। मुझे आप ये बताएं मेरे में किस चीज़ की कमी है, आपको पता है मैं अच्छे पैसे कमा रहा हूँ, शक्ल से भी सही हूँ, फैमिली वाइज भी सही हूँ, मुझमें कमी किस चीज़ की थी, तो वो सचिन के साथ क्यों चलेगी, मैं उसको सर मैं बहुत 2 साल उसके साथ मेरी दिन रात बातें हुई हैं, यानी कि वर्ल्ड कप का ड्रामा करने के लिए उसने इतना बड़ा कितनी चलाक है, क्योंकि गेम्स और वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व थी और उसी स्टाइल से वो खेलती है दुबई नेपाल ये वो गेम्स के तरीके से खेलती है, तो इससे बचें, इंडिया वालों से कहता हूँ कि इस लड़की से बचें, ये आपको तबाह करके वापस आएगी। मुझे दें इजाज़त, उसामा को दें इजाज़त, जिस जो इसका पहला मंगेतर तो नहीं, ज़रा शादी तो हुई भी थी लेकिन इसके साथ भी करने वाली थी, ऐसा ड्रामा इसको धोखा दे के गई है, मुझे दें इजाज़त, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। तो सुना आपने पूरा बयान, बताया जा रहा है कि ये जिस तरह से गेम खेलती है उसी तरह लोगों के साथ भी खेलती है। इस शख्स ने जो खुलासा किया है उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम। देखा कि सीमा हैदर का जो बॉयफ्रेंड है सामने आया थे, उन्हें किवे खुलासे कितने ने भाई, जो उन्हें कितना खुलासा मेन कि वो वर्ल्ड कप दिखना, ये मैं इस खुलासे नहीं मानता कि एक बंदा सिर्फ वर्ल्ड कप देखने वास्ते
पाकिस्तान तो इंडिया किवें आ सकता है वजह नेपाल भज के वजह नेपाल इलीगल तरीके बच्चा क्रिकेट का की पता बच्चे आ रहे हो वर्ल्ड कप देखने की गल बन दी ब्याह कर लो ये वो इंटरव्यू बे बाक होके तुसी दे रहे हो है ना दुबई चली जाएगी बट बी मेनू लगता है इस गल कोई खास सच्चाई नहीं है बाकी लोग अपना अपना बट गल जे सच्चाई मतलब की ओसामा दी गल्लां विच सच्चाई फिर तो गल वही हैगी है अदरवाइज मैनूं लगदा ओसामा भी पता नहीं मारी जांदा मैनूं लगदा है मैनूं क्योंकि जो जो ने कीता खुलासा वर्ल्ड कप वाला उस गल तों मैनूं लगदा कि यबली नहीं है हालांकि उहदे नाल चैट भी उहने दिखाई है जो भी सी वीडियो रिपोर्टर ते उहनूं चैट दिखाई है चैट साडे सामने नहीं आई जो आएगी तो जरूर अडियो शेयर जरूर करा गे जो देखा सो गाइज एसडियो की कहना चाहोगे इस टॉपिक कमेंट करके जरूर दस्यो वीडियो चंगी लगी हो लाइक कर देना लाइक कर दे कोई पैसे नहीं लगते ना ही सब्सक्राइब करने पैसे लगते सब्सक्राइब कर दिया करो यार तुहाडे की फर्क पैंदा है ते कमेंट सैक्शन विच कमेंट भी जरूर कर दिया करो कि वीडियो किवें दी लगी है चंगी लगी है माड़ी लगी है तुहाडी मर्जी है जो तुहाडे दिल आंदा है कमेंट करो बट करो है ना चंगा करो माड़ा खैर ना ही करे चंगी गल है तुहाडी इच्छा जिवें मर्जी कर दो बट करो सो गाइस ए सी वीडियो करते हैं वीडियो नाल मिलते हैं एक होर नवी वीडियो विच टिल देन बाय बाय टेक केयर रब रखो